अंदर की सारी ऑक्सीजन डिप हो गई। अब वो जो ऑक्सीजन जल गई वो और प्रेशर क्रिएट करेगी और बाहर की एयर को अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगी। क्या आपको बलून का कोई पोर्शन अंदर जाते हुए दिख रहा है? मतलब जो अंदर की एयर थी उसने क्या किया, बाहर की एयर को अंदर, मतलब अंदर की जो एयर थी वो जल गई। अब जो एयर बची उस डेंसिटी को कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, और एयर को अपने अंदर पास करना स्टार्ट कर दिया। भले ही बलून के अंदर की एयर और इसके एयर के बीच में एक जगह बची हो, लेकिन उसके बाद भी उसने उसके अणुओं को अपने अंदर खींचा और इतनी तेज खींचा कि यदि हम इसको उठाएंगे तो ये अपने आप ही ऊपर साथ में चिपक के उठेंगे।